पहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है। Hey everyone, good evening, this is Manjit Rawat, your online instructor. Don't worry, आज हम कोई technical activity हम नहीं करने वाले हैं. As you see my background, इसमें हम discuss करने वाले हैं, थोड़ा सा explore कर रहे हैं. अगर location की बात करें तो हम लोग हैं अभी हिमाचल के कोटली, एक location है उस location के पास में. और ये जो location है, means जो actual location जहाँ पे हम खड़े हैं, ये आपका महादेव मंदिर के पास में ही है ये. और मंडी से लगभग ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जैसे गांव होते हैं या बोल सकते हो कस्बे होते हैं, 40 किलोमीटर पड़ता है मंडी से हिमाचल का. और आपको भी पता है हिमाचल के केस में आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, हिंदू टेम्पल्स मिल जाएंगे. तो लेकिन जो हम लोग इस लोकेशन पे हैं, जिस लोकेशन पे अभी हम आए, ये बेसिकली सबसे बड़ा मंदिर माना गया है अपने हिमाचल का, महादेव मंदिर. और यहाँ की खासियत ये है कि लगभग जितने भी हिमाचली होंगे आसपास के, वो इस मंदिर को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा पूजते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे आने से, यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने से लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, और प्लस सुख शांति बरकरार रहती है. यू नो दैट आज की डेट में भागदौड़ की लाइफ में अपने, और यू नो दैट वर्क का लोड इतना ज्यादा रहता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए. तो चलिए ठीक है, नॉट फिजिकली लेकिन वर्चुअली हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं और आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हम करने वाले हैं. तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा, वैसे हिमाचल कई बार आ चुका हूँ मैं, शिमला आ चुका, सोलन, सोलनी, और आपका मल्टीपल लोकेशन पे आ चुके हैं ऑफिस के पर्पज पे. लेकिन अभी जो आए हैं हम बेसिकली हमारे मीन्स आप भाई बोल सकते हैं, आशीष भाई के घर आए हैं और सतीश भाई के घर आए हैं, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है. और थैंक यू सो मच आशीष भाई. थैंक यू. एंड और मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा. इसका पानी गलता है, उस पानी जो बर्फ का पानी गलता है वो सेम पानी है यहाँ पे. और हम कोशिश करते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत स्विमिंग करें, क्योंकि अच्छा खासा पानी है यहाँ पे, तो उसमें आप स्विमिंग कर सकते हैं. तो अभी थोड़ी देर बाद हम इसमें थोड़ा बहुत गोते लगाएंगे और टेस्ट करेंगे अपने पुराने दिन को. सो आई नो वेरी वेल अबाउट कि कैसे स्विम किया जाता है, मल्टीपल मेथड मुझे पता है कि कैसे स्विम किया जाता है. तो अभी यहाँ पे काफ़ी गहरा पानी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नहाते हैं और आपको कुछ क्लिप्स वगैरह शेयर करेंगे. आप लोकेशन देखिए, लोकेशन कितनी ऑसम दिखाई पड़ रही है, एक नेचर के अंडर में आ पा रहे हैं. अब देखिए कितना पीस है यहाँ पे, पानी की कलकल की आवाज़ और चारों तरफ हरियाली, पहाड़, आप इसको झरना भी बोल सकते हैं, डेफिनेटली इट्स अ टाइप ऑफ झरना. और फॉल, इट्स अ टाइप ऑफ वाटरफॉल. और यू नो दैट कि कितना ज़्यादा मेडिटेशन के लिए हम लोग फ्लूट की आवाज़ सुनते हैं. अब मेडिटेशन करते हो गए तो फ्लूट की आवाज़ सुनते हैं, झरने की आवाज़ सुनते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, माइंड को शार्प करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली, कोई वर्चुअल नहीं, आप फिजिकली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, फिजिकली यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बट लेट मी अवेयर फ्यू थिंग्स, यू नो दैट कि अब पहाड़ है, जंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जंगली जानवर का भी आना जाना रहता है, क्योंकि पानी रहता है तो उनको भी अपनी खुराक चाहिए. तो ऐसा मानना है, आशीष भाई बता रहे थे अभी कि यहाँ पे तेंदुए या शेर या जो भी जानवर, जंगली जानवर हैं, यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं. तो अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे. वैसे आप अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कोई भी जानवर आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा, ये हमारी गलत फहमी है. तो चलिए, यहाँ का टेम्परेचर लगातार घटता जा रहा है. यू नो दैट कि अगर हम दिल्ली की बात करें या किसी और मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे 25, 27 या 28 के आसपास टेम्परेचर है. बट यहाँ पे अभी हम लोग नीचे हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन बढ़ा हुआ है. बट जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ी पे, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा. और अभी अप्रैल तो मीन्स क्लाइमेट जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और बहुत ही अच्छा मीन्स टाइम स्पेंड करने का एक ऑप्शन है कि अगर आप हिमाचल में, आपका कोई रिलेटिव रहता है या नहीं भी रहता है, तो आप कोशिश करिए मूव करने के लिए, घूमने के लिए.
डेफिनेटली आपको रिफ्रेशमेंट फील होगा एंड आप इंजॉय करेंगे, जो माइंड का हेडेक रहता है वो आप रिलैक्स करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल वीडियो से देख देख के आप बोर हो चुके हैं, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा पहाड़ के इलाके के जो नदी है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और अब देखिए यहाँ पे कितना सुकून, कितना नेचर के अंदर आप एक तरीके से नेचर में ही आप आ गए हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा होगा। चलिए ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे स्टॉप, बंद करते हैं क्योंकि आई एम गोइंग टू स्विम। यहाँ पे थोड़ा सा स्विम करेंगे थोड़ी देर के लिए एंड आफ्टर दैट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के पहाड़ नीचे उतर कर हम लोग आए हैं यहाँ पे और कैसे ऊंचाई चढ़ेंगे। इन सब की वीडियो हम आपको शेयर करते हैं एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, नॉट ओनली फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग। हम कोशिश करेंगे कि अगर आप ये ब्लॉग्स पसंद करेंगे तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि और अच्छी अच्छी लोकेशन और ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, पॉज करते हैं वीडियो को और अगले स्टेप पे मूव करते हैं।